गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने ऑक्सीडेशन एंड सुपर डिसल्फाइड रिड्यूसमेंट प्रोसेस को जानने का प्रयास किया। हम आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका ऑक्सीडेशन एंड सुपर डिसल्फाइड रिड्यूसमेंट प्रोसेस है, जिसको आप ऑक्सीकरण एवं ऊर्ध्वज्वलित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम के नाम से भी आप उसको जानते हैं, उसके लिए कल आपने चर्चा की कि किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर जो जल है, उस जल द्वारा ये ऑक्सीकरण प्रोसेस जो है वो प्रारंभ होता है, और इस ऑक्सीकरण और ऊर्ध्वज्वलित सल्फाइड प्रक्रम को, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, आपने दो जोन में बांट के, दो क्षेत्रों में बांट के आपने इसको जानने का प्रयास किया कि जो भूमिगत जल स्तर है, जो वाटर टेबल है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन जोन, उसके नीचे सुपरजिन जोन, या इसको हम सेकेंडरी जोन भी कहते हैं, और इस सुपरजिन जोन के नीचे एक और जोन है जिसको हाइपोजिन जोन या प्राइमरी जोन के नाम से आपने जाना है। तो मुख्य रूप से ये वाटर टेबल के आसपास का जो रीजन है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, यही ऑक्सीडेशन एंड सुपर डिसल्फाइड इंड्यूसमेंट प्रोसेस के लिए ये उत्तरदायित्व है। इस डायग्राम में आप देखते होंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड ओर्स हैं जो प्रेसिपिटेशन द्वारा इस वाटर टेबल में, जो प्रेसिपिटेशन से ये सुपरजिन जोन में ये प्रवेश करते हैं, और यहाँ ये इकट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, भर जाता है ये, इसीलिए इसको सुपरजिन या इनरिचमेंट जोन या समृद्धि प्रक्रम हम इसको कहते हैं। तो आपने देखा था कल की क्लास में, आपने जाना कि तीन स्टेजेस, मुख्य रूप से तीन चरणों में ये जो प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन जोन का बनना, सॉल्यूशंस का बनना जरूरी है, फिर ऑक्सीडेशन जोन में डिपोजिशन का होना, यानी निक्षेपण का होना जरूरी है, और साथ में आपने एक तीसरा चरण देखा जिसमें इनरिचमेंट जोन या ऊर्ध्वज्वलित समृद्धि क्षेत्र का बनना जरूरी होता है। इसके अलावा आपने गोलसन और कैपिंग्स के बारे में जाना कि पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे संकेत या कुछ ऐसे चिन्ह हमें मिलते हैं जो कि सरफेस के नीचे खनिजों की उपस्थिति का हमें ज्ञान देते हैं, संकेत देते हैं, और उससे वहाँ की सतह का जो रंग है वो अलग हो जाता है, अलग अलग होता है। तो इसकी, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीडेशन पे प्रभाव डालते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडेशन, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो ऑक्सीकरण पे प्रभाव डालते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, सबसे पहला ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, दूसरा रेट ऑफ वेदरिंग, अपक्षय की जो गति है, जो दर है वो प्रभाव डालेगी, क्लाइमेट प्रभाव डालेगा, जो टाइम समय अवधि है वो प्रभाव डालेगी, और जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनकी भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो प्रभाव डालेगा, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे संरचनाएं हैं जो ऑक्सीडेशन पे इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रक्रम को नियंत्रित करने वाले जो मुख्य जो कारक हैं, फैक्टर हैं, वो है, पहला है भूमिगत जल स्तर। ये भूमिगत जल स्तर जो है, ये ऑक्सीकरण का जो प्रोसेस है वो इसी भूमिगत जल स्तर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए सबसे पहला जो प्रभाव डालेगा, जो फैक्टर इफेक्ट करेगा, वो करेगा ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर की डेप्थ कितनी है, किस तरह का ग्राउंड वाटर है, किस तरह के एक्वीफर्स हैं, वो किस प्रकार इस पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो डालेगा वो डालेगा भूमिगत जल स्तर या ग्राउंड वाटर। दूसरा है
रेट ऑफ वेदरिंग यानी अपक्षय की जो गति है वो कैसी हो। तो अपक्षय की गति या अपक्षय की जो दर है, वेदरिंग की जो रेट है, वो ना तो अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एवरेज औसत जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। क्यों? यदि वेदरिंग अधिक या ज्यादा होगी तो उससे ऑक्सीकरण प्रभावित होगा। तो ऑक्सीकरण प्रक्रम द्वारा खनिज बनने के लिए ये आवश्यक है कि रॉक्स का इनका जो अपक्षय है, जो वेदरिंग है, वो ना हाई हो ना लो हो, वो एवरेज यानी औसत तरीके का होना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर जो इफेक्ट डालता है वो है क्लाइमेट यानी जलवायु कैसे हो। जलवायु के प्रमुख जो कारण है, कारक हैं, वो टेम्परेचर और वाटर यानी वर्षा। जलवायु को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले जो फैक्टर है वो एक तो टेम्परेचर होगा और एक वाटर, वाटर यानी जो वर्षा है वो कारक है जो कि ऑक्सीकरण को प्रभावित करता है। अधिक तापमान ऑक्सीकरण को तेज कर देगा और कम तापमान ऑक्सीकरण को मंद कर देगा। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑक्सीकरण फास्ट होगी और यदि कम होगा टेम्परेचर तो ऑक्सीकरण कम होगा यानी मंद होगा। फिर है इसका टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि का क्या रोल है, क्या कारक है। तो ऑक्सीकरण चूंकि एक मंद प्रक्रिया है तो पूर्ण एवं काफी गहराई तक ऑक्सीकरण हो इसके लिए दीर्घ अवधि का होना आवश्यक है। चूंकि स्लो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, इसीलिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो खूब होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है चट्टानों के, भौतिक और रासायनिक ऐसे कौन से गुण हैं, क्या गुण हैं जो ऑक्सीडेशन पे इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो रॉक्स के या शैल के भौतिक एवं रासायनिक गुण ऑक्सीकरण को प्रभावित करते हैं। रंध्रमय या भंगुर शैलें यानी कि जो भंगुर यानी जो आसानी से टूट सकती हो तो और पोरस हो, छिद्रमय हो, रंध्रमय या भंगुर शैलें जो आसानी से विद्रित हो जाती हैं या टूट जाती हैं ऑक्सीकरण को तेज कर देती हैं। और इसके उलट जो संपुंजित घने या अविद्रित शैल हैं यानी कि मैसिव हैं, डेंस हैं और जो भंगुर नहीं है, वो शैल ऑक्सीडेशन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो आसानी से टूट सकती हो रॉक्स, इस प्रकार की रॉक्स यदि हैं तो ऑक्सीडेशन आसानी से होगा और अच्छा होगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी संरचनाएं हैं जो इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, जैसे फॉल्ट, ब्रंस, उसके बाद आपका जो शियर जोन का क्षेत्र है वो, सिस्टोसिटी, बेडिंग प्लेन आदि जो है ये ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। कोई फॉल्ट है, कोई शियर जोन का है या दूसरी और स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टोसिटी वगैरह है, तो ऐसा होने से ऑक्सीडेशन तेज होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण पे इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वो ग्राउंड वाटर टेबल है, रेट ऑफ वेदरिंग हो गया, क्लाइमेट है, टाइम ड्यूरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स है और कुछ स्ट्रक्चर्स उस संरचना है। सबसे पहला प्रभाव तो भूमिगत जल स्तर डालेगा, दूसरा जो वेदरिंग की जो रेट है वो ऑक्सीडेशन कम या ज्यादा निर्भर करेगा, क्लाइमेट जो है टेम्परेचर और रेंज जो है वो इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर यदि हाई है तो ऑक्सीडेशन अधिक होगा, लो है तो मंद होगा, धीरे होगा, कम होगा। टाइम ड्यूरेशन, चूंकि ऑक्सीडेशन एक लंबा प्रोसेस है इसलिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रॉक्स की, जो रॉक्स जल्दी से टूटने वाली हैं उनमें ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, जो नहीं टूटने वाली हैं यानी कि जो कॉम्पैक्ट है उनमें बाद में होगा। जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन तेज या मंद होता है। इसके बाद अब ऑक्सीडेशन का जो अंत कैसे होगा, एंड कैसे
कैसे होगा ऑक्सीडेशन का और इसकी डेप्थ कितनी होती है और ऑक्सीडेशन जोन में किस प्रकार के निक्षेप डिपोजिशन हमको मिलते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ऑक्सीकरण की समाप्ति किस कैसे होगी। तो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जब ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती तब ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो ऑक्सीजन का अभाव अलग अलग कई परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे ग्राउंड वाटर लेवल टेबल जो है वो और नीचे हो या भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो जाए या सल्फाइड खनिजों द्वारा जो ऑक्सीजन अवक्षय है यानी कि डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो गहरे भौम जल स्तर के ऊपर या और सल्फाइड बहुल क्षेत्र जो है से रिसकर नीचे वाले जल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाए। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसी भी रूप से तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो खत्म होगा। अब जैसे डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की डेप्थ कितनी होती है, गहराई कितनी होती है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिले हैं जहां ऑक्सीडेशन की डेप्थ 3000 फीट तक भी नीचे जमीन में पाई गई है। जैसे जिम्बाब्वे के कई कंट्रीज, जिम्बाब्वे में कई ऐसी जगह हैं जहां इतनी डेप्थ देखी गई है। तो सामान्य तौर पर ये कुछ इंचेस से लेके ये सैकड़ों फीट तक इनकी गहराई हो सकती है। जहां ऑक्सीकरण के पश्चात जल तल ऊपर नहीं आया है वहां ऑक्सीकरण की गहराई के संबंध में कुछ और भी अपन कह सकते हैं, जैसे लो रिलीफ हो या हाई रिलीफ हो, यूथ टोपोग्राफी हो या मेजर एंड ओल्ड टोपोग्राफी हो, यानी कि स्थलाकृति और जो उच्चावता है जमीन की उस पर भी डिपेंड करता है। फिर अब ऑक्सीडेशन जोन में डिपोजिशन या निक्षेपण किस प्रकार से होगा, तो ऑक्सीकरण क्षेत्र में धातुओं का अवक्षेपण, वाष्पीकरण एवं संतृप्तिकरण, ऑक्सीकरण जलयोजन विलयनों के बीच अभिक्रियाओं या विलयनों की अधात्री खनिजों अथवा भित्ति शहरों से क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी ऑक्सीडेशन जोन में धातुओं का प्रेसिपिटेशन हो, उनका इवापोरेशन हो, उनका सेचुरेशन हो, हाइड्रेशन हो, तब इतनी सारी प्रोसेस होंगी तभी वहाँ डिपोजिशन होगा, ऑक्सीडेशन जोन में खनिजों का विक्षेपण होगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि विलयनों की अधात्री खनिजों अथवा भित्ति शैलों से क्रिया के फलस्वरूप ही होता है, और ये क्रियाएं सम्मिलित रूप से भी हो सकती हैं या अलग अलग रूपों में भी हो सकती है। ऑक्सीकृत खनिज में प्राप्त खनिज अयस्कों को दो भागों में बांट सकते हैं, केवल ऑक्सीकृत क्षेत्र में मिलने वाले खनिज जैसे कार्बोनेट, सिलिकेट, क्लोराइड इत्यादि के होते हैं, तांबे एवं जस्ते के खनिज अयस्क कोबाल्ट, एंटीमनी, मोलिब्डेनम इत्यादि के खनिज भी आपको इस प्रोसेस द्वारा मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन एंड सुपर जिंक सल्फाइड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए ऐसे फैक्टर्स जो इस पर इफेक्ट डालते हैं वो और किस प्रकार से इनका इनकी समाप्ति होती है ऑक्सीडेशन जोन की, कितनी डेप्थ में होती है और इस ऑक्सीडेशन जोन में डिपोजिशन या निक्षेपण किन किन खनिजों का होता है, इन सभी चीज़ों की हमने आज चर्चा की है। थैंक्स।